भी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का क्लिप। मूवी थोड़ी पुरानी है लेकिन भाई आज भी देखो ना तो ऐसा लगता है कि एवरग्रीन मूवीज में आती है। और इससे पहले कि भाई मोहतरमा आपको टाइटल बताए, मोहतरमा आपको हिंट देगा और आपको गेस करना है कि क्या मूवी, मतलब मूवी का नाम क्या है। मोहतरम दो भाई गेस। वैसे तो भाई टाइटल पढ़ के सारों को पता चल ही गया है कि मूवी का नाम क्या, लेकिन इसमें एक बहुत फेमस चीज है। हाँ आपने नहीं सोचा लेकिन मैंने सोच लिया था, लेकिन इसमें एक बहुत फेमस चीज थी। अब पता नहीं मोहतरम कितना अच्छा भाई, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो चलिए देख लेते हैं अभी वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक और स्ट्रिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आइए आइए काका, यहां से स्टार्ट करते हैं। सामान रखवा देता हूं। हां बेटा आइए चलिए। नहीं से थोड़ा सा आगे थे। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना, ये है उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी मैं हो गया वैसे। ये हैं कैलाश नाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा ओ मैनेजर चाचा, ये लीजिए टोटल कर दिया। कर दिया टोटल, शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब बिल का टोटल आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती हैं निशा जी? मेरा नाम मत लो। सही किया मैंने। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौरियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू, अबे कैलाश नाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह वाह वाह। सिद्धार्थ मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमसे शर्त हार गए। कौन सी भाई? इन्होंने कहा था कि बाल सिर्फ हमारे जाएंगे मगर इनके भी चले गए, ये देखो। अरे भाई देखो तो कौन आया है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाश नाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा प्रेम, तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे। हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाश नाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो भाई। हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। ऐसे देख रहे हैं सलमान खान जैसे ना भाभी। और कैलाश नाथ यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा? अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ऐतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाश नाथ? फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है, एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब? हाँ जाना। कैलाश नाथ शुक्रिया। प्रोफेसर शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। बैठो। आओ बेटा बैठो ना। तो बेटा काम के अलावा और क्या क्या शौक रखते हो? भैया पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना भैया? अच्छा, बस यूं ही थोड़ी बहुत। भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? जी पापा। बेटी वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो, जरा राजेश को दिखाओ तो। आह भैया हम लोग पेंटिंग देखें। चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका। चलो चलो भैया, पेंटिंग देखेंगे पेंटिंग। अरे आप कहाँ चली? आपसे मतलब? अरे आप उन्हें अकेले में बात करने दीजिए ना। आप ये म्यूजिक भी हमसे बात कीजिए। आपसे क्या बात करें? क्यों आप अभी तक हमसे नाराज हैं? निशा जी मेरा नाम मत लो। मम्मी डैडी।
भाई बात करें इस मूवी की, तो जब भी आप इसे देखते ना आपको इतना मजा आता है ना, इतनी अपनाइयत फील होती है ना आपको इस मूवी से, कि आपको अपने बचपन में वो जो चीजें होती है ना, जब आपने मूवी देखी होती है आपको वो भी याद आती हैं। और ऑनेस्टली आज का ये जो क्लिप देखे ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ना आपको थोड़ा सा दुख भी होता है एक चीज का, कि ये टाइम दोबारा नहीं आ पा रहा। सही बात है। और उस टाइम में ये देखो म्यूजिक से ही आपको अपनाइयत महसूस होती है, लोगों से, करेक्टर से आपको इतने अच्छे लग रहे हैं, उनकी मासूमियत से, उनके बात करने के तरीके से। तो मुझे सच में देखकर ना थोड़ा सा ये अफसोस हो रहा था कि काश वो टाइम वापस आ जाए जिसमें एक प्यार मोहब्बत लोगों के बीच में रहता था। इतनी मतलब तेज जिंदगी नहीं थी कि भाई हम लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, आजकल के टाइम में तो अपनी अपनी पड़ी होती है, पर ये करेक्टर मुझे लगता है कि एवरग्रीन करेक्टर है जो ये मूवीज बना दी गई हैं। आप इनको जब भी देखोगे ना आपके दिमाग को और दिल को शांति मिलेगी। यार इसमें जो है वाकई आप कह सकती हैं जो आपने बिल्कुल सब कुछ सही कहा कि आप जब भी ये क्लिप्स देखते हैं, इनके आपके सामने आ जाए मूवी का, कोई पुरानी मूवी आपके सामने आ जाए, तो आपका दिल करता है कि यार ये टाइम जो है ना वापस आ जाना चाहिए। जैसे जैसे एज आगे जाती जा रही है ना, तो दिल करता है कि जो बचपन वाली चीजें हैं ना वो दोबारा, वो फीलिंग्स, वो चीजें, वो दोबारा जो है ना अपने अंदर आ जाए। ये यहाँ से मुझे, अब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को आप लोगों को बता पा रही है नहीं, बट मुझे ना यहाँ पर ऐसा सुकून मिलता है सुनकर, ऐसे म्यूजिक को सुनकर, और जो लोग हैं इन लोगों को देखकर इतना अच्छा लगता है। हालांकि देखो वो जो उस टाइम पर भी जो मूवीज बनती थी वो इस तरह की नहीं होती थी कि भाई रियल लाइफ में भी वैसे ही सब कुछ होता था, ऐसा नहीं होता था। एक मतलब सिचुएशन बनाई जाती थी इस तरह की कि लोगों को अच्छी लगे। हाँ। लेकिन उस सिचुएशन में इतनी अपनाइयत और ग्लैमर, देखो आपको जो नजर आ रहा है, मतलब कि जो आपको निशा जी नजर आ रही है वो कितनी सिंपल क्लासी सी नजर आ रही है। और मुझे अच्छे से याद है कि माधुरी जी का एक तो मतलब जो ठुमका है वो बड़ा हिट था, चोली मतलब के यहाँ पर नहीं, चोली वाले वैसे भी मतलब चन्ने के खेत में, उसमें भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ पर गाने बहुत ज्यादा लगा करते थे। और उसके अलावा उनकी स्माइल और हेयर कट, लोग पागल थे मतलब कि उनकी तरह का हेयर कट करवाने में। बहुत सारी महिलाएं भाई यहाँ पर मैंने देखी, इवन की मेरी बड़ी बहन जो है मैंने उनको देखा है कि उनको बहुत पसंद था। अरे आपको आपको पता है मैं नूरजहां जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने तारीफ की थी कि एक नई लड़की आई मधुरी, सुना है बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा तारीफ भी की थी और मधुरी भी आई थी, ठीक है मौसम क्या माधुरी नाम है। अरे यार माधुरी, अरे यार वो अपना देसी बीच में एक टच आ जाता है। तो आपको ये देखेंगे कितनी फेमस थी वो अपने टाइम में, और इस चीज का वाकई है कि हर बंदे की वो फेवरेट हुआ करती थी अपने अपना ना, उनका उनकी स्माइल। एक जो है मुझे याद है कि एक माधुरी जी, फिर उसके बाद यार आपने मेरा नाम, फिर उसके बाद एक जूही चावला, ठीक है, फिर उसके बाद श्रीदेवी जी, ठीक है ना, ये ऐसी एक्ट्रेसेस हैं। फिर बीच में एक और एक्ट्रेसेस आई थी, वो उनका नाम मुझे भूल गया, ऐसी दीवानगी मूवी जो है, दिव्या विद्या विद्या दिव्या भारती, वो भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। फिलहाल अभी इस सीन की बात कर लेते हैं। सीन में जैसे ही जो है वो प्रोफेसर साहब से मिलते हैं, तो प्रोफेसर साहब का जो सीन दिखाया हुआ ना, पुराने वक्तों में वाकई टीचर इस तरह हुए करते थे कि अपने घर से चीजें बनाकर लाते थे, और यूं जो है ना बच्चों को तो यार लोगों को, या उनके जो एक वो होता था ना सर्कल, उसमें लोगों के साथ जैसे बैठ के गपशप करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद पुराने वक्तों में औरतें भी इस तरह की होती थी कि घर में मेहमान आते थे ना, खासतौर पर ऐसे मेहमान जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे, आप जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, तो इनका मिलने का तरीकेकार भी कुछ इसी तरह होता था। जैसे जो है रीमा लागू जी का है, वो वैसे में बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है एज अ मदर, मुझे बहुत अच्छी लगती उन्हें। मेरा ख्याल है मैंने जितने भी रोल्स में देखा है ज्यादातर या तो मदर ही देखा है या सास उन्हें बने हुए देखा है, तो जो है उनका एक रोल जो है बहुत अच्छा रहा है हमेशा। बेशक उन्होंने कभी एज ए लीड किसी, मैंने वैसे उन्हें एज ए हीरोइन किसी मूवी में नहीं देखा, लेकिन उनका ये जो रोल था बहुत अच्छा था। वैसे मुझे अनुपम खेर सर बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने लास्ट मुर्गा भी बताया था जब हम लोगों ने देखा था गोविंदा सर के साथ, उसमें किसी ने कमेंट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब इतने सारे एक्टर्स, मतलब देखो गोविंदा सर भी हैं, वो भी उनका भी एक टेन्योर आया और वो भी खत्म हो गया, लेकिन अनुपम खेर सर ऐसे एक्टर हैं जिनका टेन्योर अभी तक है भाई, वो
एवरग्रीन है, मुझे लगता है वो कभी भी आकर आपको एक अच्छी मतलब स्टोरी, और अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स उनकी देखी, हाँ। उसमें एक्टिंग उनकी चेक करो आप, मुझे लगता है उनको जब भी आप उनको देखते हो ना आपको मजा आता है। ये मुझे जो है ना जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो इसलिए बहुत पसंद रहते हैं कि उनका टेन्योर जो होता है ना जब तक वो जिंदा रहते हैं वो चलते हैं। अब जो मेन पे लीड में एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस जिन्हें हम हीरो हीरोइन कहते हैं उनका एक लिमिटेड टाइम होता है और उसके बाद जो है ना भाई उनमें एक चीज आ जाती है कि हमारे चाहने वालों ने हमें एज ए हीरो देखा है, एज ए हीरोइन देखा है, तो अब हम नहीं, अब हम ये नहीं चाहते हम माँ बाप का रोल करें या क्या नाम लेते हैं भाभी का या बहन का या भाई का रोल करें। हालांकि ऑन दी अदर साइड बहुत सारे आपको ऐसे वर्सटाइल एक्टर्स मिलते हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने रोल जो है वो चेंज किए हैं, जिनमें आपको जया बच्चन जी मिलती है, अमिताभ बच्चन सर मिलते हैं। जो पुरानी एक्ट्रेस थी ना मैंने देखा कि वो लोग फिर भी इन चीजों की तरफ काफी ज्यादा हम लोग देखते हैं कि उन्होंने आकर आपने आपको बाद में चेंज किया के रोल के मुताबिक, लेकिन अभी की जो एक्ट्रेसेस है ना यानी उनका मैंने नहीं अभी तक देखा कि कोई साइड हीरोइन मतलब उस तरह से कि भाभी की सूरत में या फिर यू नो माँ की सूरत में आए। अभी मुझे लगता है इनका थोड़ा ट्रेंड कम है। बिल्कुल अभी अगर अगर अभी सॉरी आपने इंटरप्ट कर दिया, अगर अभी आते भी है ना तो बहुत जो लीड में एक्टर होती है ना जो पुरानी एक्ट्रेस उनका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है। बिल्कुल, लेकिन अनुपम खेर सर मुझे ऐसा लगता है कि वो हर तरह के करेक्टर कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी ही बहुत वाइब्रेंट सी है, बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है उनकी पर्सनालिटी। और भाई पहले जमाने में जिस तरीके से हुआ करता था कि लड़कियां छुप छुप के देखा करती थी, वो एक सीन जो है और मन में लड्डू फूटे वो वाला सीन दिखाया गया। बिल्कुल, और जो छोटी बहनें मुझे लगता है वो शुरू से ऐसी होती है भाई कि वो जाओ आपको लेने आ गई है, हम कैसे थे थोड़ी बोल्ड होती है के ब्लंट भी होती है वैसे बोर्ड के साथ। अच्छा बीच में जो है ना जो प्रोफेसर साहब का घर दिखाया हुआ है अगर आप देखें ना तो एक जैसे वो ये घर नहीं है उनका मौजम, ये मेरा ख्याल में कि आश्रम होता है या फिर वो कहीं पर यात्रा के लिए आए होते हैं मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब का वो घर दिखाया हुआ ना उनका, प्रोफेसर साहब यानी कि ये जो है अनुपम खेर सर, हाँ ये उनका घर है? उनका घर दिखाया हुआ है ना जहाँ पे वो रहते हैं भाई, मुझे तो यही मालूम अच्छा, है लेकिन हाँ लेकिन जो है उनका जो घर दिखाया हुआ है या अगर यात्रा के लिए भी आए हुए हैं तो एक जो जगह दिखाई हुई है ना वो इस तरह की दिखाई हुई है कि आपको वाकई वो घर वाली जो फीलिंग्स होती है ना एक मिडिल क्लास बंदे की वो आती है। क्योंकि देखिए अगर उनका किचन देखें हम, अगर मिडिल क्लास लोअर घर की बात करें तो हमारे किचन इसी तरह ही बने होते हैं। फिर उस घर मैं यहाँ से रोक देती हूँ भाई, ये उनका घर नहीं है वो, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो गाना देखा है आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम चॉकलेट नहीं गाना ही चॉकलेट आइस मुझे भी बुला दिया जो भी है, लेकिन उसमें उनका घर और होता है कि यहाँ पर आई थिंक ये जो होता है ना जैसे यात्रा के लिए आए होते हैं तो आपको आश्रम में जगह मिलती है तो मुझे ये वाली जगह लगती है। तो मजे की बात ये है कि अगर अभी हम पहले जब हमने मूवीज देखी ना तब हमें ऑब्वियसली नॉलेज नहीं था चीजों का तो हम लोग किसी और तरह से देखते थे, ठीक है ना, बस हम मूवी की तरह ही देखते थे। तो अभी जब हम लोग मूवीज देखेंगे ना मुझे लगता है कि दोबारा से मौजम तो हम लोग ना अच्छे से समझ पाएंगे हर चीज को, कॉन्टेक्स्ट को, हर रिचुअल को, मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से ना समझ सकेंगे। और इवन के जो प्रोफेसर साहब जो बैठे होते हैं बाहर लोगों को खिला रहे होते हैं और यू नो स्टेप्स बने होते हैं तो वहां से भी मुझे थोड़ा ऐसा आइडिया हो रहा होता है कि जैसे ना आश्रम मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा वैसे जो है ना वो गाना में याद आ गया, गाना है चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे अब मेरे शौक है का। अच्छा वैसे इस मूवी की या पुरानी मूवीज की बात करें ना तो एक चीज बहुत अच्छी होती थी कि हर कुछ 10-15 मिनट बाद आपको एक गाना सुनने को मिलता था। इस मूवी तो बेतहाशा गाने है ना, वैसे गाना बहुत अच्छा है, मुझे आवाज ही बहुत अच्छी लगती है। इस मूवी के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। आवाज आई थिंक इसमें उनकी है ना, लता जी की नहीं जो मेल बढ़िया है उन, हाँ SBP, हाँ उनकी थी ना। एनीवे सुब्रमण्यु जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म, हाँ बिल्कुल SBP जी एग्जैक्टली, हमने उनके आवाज भी सुनी और तभी हम लोग को पता चला था भाई कि जो सलमान खान सर पे इतनी ज्यादा आवाज सूट करती है वो किन की है। बट सलमान खान सर मुझे यहाँ पर यू नो
काफी वो कहते ना जोशीले टाइप के लगते हैं और मतलब मजा आता है उनकी एक्टिंग देने का। और विद टाइम वैसे देखा जाए तो उनकी एक्टिंग में भी काफी चेंज आपको देखने को मिला है। हाँ वैसे एक्टिंग में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला, लेकिन जो है ना ये इस मूवी की भाई मैं कहता हूँ कि ये जब भी आप देखते हैं ना एक इमोशन है, बाकी हम हमारी जनरेशन के लिए जो है ना ये एक इमोशन है। किसी ने कॉमेंट किया था आप ये कहते हैं हमारी जनरेशन के लिए हम बड़े पुराने हो, किसी ने पूछा कितने पुराने यार। देखे हमारी पैदाइश है 90s की, ठीक है ना, 90s में जो मूवीज आई है ना वो इस तरह की है कि हम जब भी उन्हें देखते हैं ना हमें देखने को बड़ा मजा आता है, ठीक है आपको, क्योंकि आपने वो गाने वो चीजें की बचपन में सुनी होती हैं। अब तो क्या नाम लेते हैं सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तब इंटरनेट नहीं था होता, तब आपको जो है एक मूवी देखने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। हाँ, तो हाँ वो मजा आता था स्ट्रगल का, तो वो जो जब आप वो चीजें सुनते हैं ना आपके जहन में वो रिमाइंड होती हैं। अब क्योंकि हाँ अब क्योंकि जो है हर चीज या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है या आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे या यूट्यूब पर इजी एक्सेस हो गया, लेकिन पुराने टाइम में यानी कि हम अपने पुराना टाइम यानी अपने बचपन की बात करें, हमें VCR जो है वो लेकर आना पड़ता था, फिर उसके बाद जो कैसेट होती थी वो लेकर आनी पड़ती थी, फिर उसके बाद फिल्म देखते देखते कचरा बीच में आ जाए तो वो जो है कचरा उसका साफ करना पड़ता था। कचरा मतलब ये कि वो जो मूवी में लाइनें आ जाती थी, हाँ वो फिर वो टिश्यू मतलब ज्यादा लोगों ने देख लिया तो हाँ तो वो फिर टिश्यू पेपर से जो वो आपको वो एक चीज होती थी, हाँ हाँ वो पता नहीं वो चीज होती थी उसके अंदर रखना पड़ता था, फिर वो यू रील के साथ चलती चलती जाती थी, तो वो ये हमारी जो है ना स्ट्रगल काफी रही है। अब तो क्या नाम लेते हैं एक जमाना ही बदल गया है ना, तो हमारी स्ट्रगल काफी रही है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि ना जब ये शुरू हुआ ना क्लिप देखा और म्यूजिक सुन के सारे कैरेक्टर्स को देखे तो ना मैं थोड़ी अंदर से दुखी भी हो रही थी कि वो टाइम दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल, अब जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे हम अगर बात करें तो हमें जी सिनेमा या सोनी देखने के लिए अपने बच्चों ने एंटीने फेंकने पड़ते थे केबल की तारों के ऊपर, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, किसी किसी घर में जो है केबल हुआ करती थी, फिर उसके बाद हमारी एक वो स्ट्रगल हुआ करती थी चित्रहाल होता था, चित्रहाल सुनने के लिए फिर आप बीती ड्रामा लगता था, हाँ तो उसके लिए हमारी जो एक स्ट्रगल होती थी कि भाई किसी तरह जो है हमारा एंटीना दूरदर्शन को कैच कर ले, तो वो एक बड़ी स्ट्रगल हमारी रही हुई है, तो हमें जो ना वो चीजें याद आती है एंटरटेनमेंट को देखने के लिए। एनीवे गाइस ओवरऑल बहुत मजा आया और हम लोगों ने तो अपने बहुत सारी यादें आपके साथ शेयर की। आप जरूर बताइएगा आपकी इस मूवीज के साथ इस मूवी के साथ कौन सी यादें जुड़ी हुई है, कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।